नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी अधिकारियों को इस गाइडलाइन के अनुसार ही निर्वाचन कराने का निर्देश दिया गया है। पूर्व शेष सभी नामांकन जो कराए गए थे उसी आधार पर चुनाव होंगे और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव की तैयारियों में जुट जाए। गाइडलाइन के अनुसार पहले जो निर्देश दिए गए थे वह सभी निर्देश जारी रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की एक बार फिर तारीखों का ऐलान कर दिया है और जिस तरीके से लगातार कल खबरें आ रही थी कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में चुनाव बहुत ही लेट होगा, लेकिन उसके बाद अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई। सौंपने के बाद राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार के द्वारा वो पूरी रिपोर्ट चली गई नगर विकास विभाग को और नगर विकास विभाग ने उसके बाद उस पूरे रिपोर्ट को कह सकते हैं कि मंत्री और से सहमति के बाद पूरे रिपोर्ट को भेज दिया सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को। कल देर शाम रिपोर्ट आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल कल रात में कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा कर दिया। 18 कह सकते हैं कि दिसंबर को प्रथम चरण का चुनाव होगा और 20 दिसंबर को मतगणना होगी, 28 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा और 30 दिसंबर को मतगणना होगी। इस तरीके से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है और सभी जिलाधिकारियों को निकाय चुनाव की तैयारियों में आज से जुट जाने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव घोषणा के बाद फिर आगे क्या कोई तकनीकी त्रुटियां रह जाती हैं होती है या नगर निकाय चुनाव समय पर संपन्न करा लिए जाते हैं, लेकिन जिलाधिकारी लगातार सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो नगर निकाय चुनाव को सुचारू शांतिपूर्वक ढंग से कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दें और सभी जिलाधिकारी ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और कई जगह बैठकें भी शुरू हो गई हैं। मुर्गोबालम, कशिश न्यूज़, पटना।